5। एरिक सबसे अच्छा है। एरिक यात्रियों को लेने जा रहा है। सभी को हेलो। हेलो हेलो एरिक। हेलो एरिक, राइड के लिए शुक्रिया। बिल्कुल। हाँ? मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं बेटा? हाँ? ये बहुत डरावनी है। पर ये डरावनी नहीं है। ये रेलगाड़ी चला भाई। एरिक, हम कब तक खड़े रहेंगे? मुझे जाना होगा वरना देर हो जाएगी। माफ कीजिएगा मैम। हाँ हाँ, मुझे अब जाना ही होगा। क्या करूँ मैं? काम पूरा करने के बाद एरिक वापस चूचू शहर आ रहा है। मैं आ गया सर। एरिक, तुम थक गए होगे। हाँ। अरे हाँ, याद आया, कल स्कूल के छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। छोटे बच्चे सर? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम बस बच्चों को चूचू शहर की अच्छी सैर करवा देना। हाँ जी। बहुत मजा। मैं आ गया। हाय एरिक। हाय दोस्तों। एरिक, क्या तुम्हें पता है स्कूल के छोटे बच्चे यहाँ आ रहे हैं? हाँ। मुझे खुशी हो रही है। मुझे भी। मुझसे तो कल तक का इंतजार ही नहीं हो रहा। सबसे पहले उन्हें क्या दिखाएंगे? देखो, मुझे ये काम करना नहीं है वरना मैं तुम सबकी छुट्टी कर देता। अरे छोड़ो भी, सब बच्चे मेरी सवारी करना चाहेंगे। बच्चों से मैं बहुत अच्छे से घुलता मिलता हूँ। अब बस करो। अरे सच है भाई। लगता है डीजल को बच्चे पसंद करते हैं। हाँ, हर किसी की बच्चों से बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। मैं क्यों नहीं कर पाता? हाँ, शायद डीजल मदद कर सके। तो क्या तुम बच्चों से घुलना मिलना चाहते हो? हाँ, तुम मदद कर सकते हो। पर मुझे तो पता ही नहीं। अरे मजाक कर रहा था मैं। सबसे पहली बात, तुम्हें बच्चों के लिए गाना गाना है। गाना गाऊं? बिल्कुल, बच्चों से घुलने मिलने के लिए एक मस्ती भरा गाना गाओ। समझ गया मैं। फिर उन्हें एक मजेदार कहानी सुनाओ। पर कैसी कहानी सुनाऊं? अरे यही कोई जानवरों या परियों की कहानी। वाओ, अच्छा आइडिया है। इसमें तो तुम कमाल के हो डीजल। एक बात और, मैं तुम्हें अपना समझ के बता रहा हूँ। वाओ। एंडी के पास जाओ। एंडी? हाय एंडी। एरिक, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। एंडी, क्या तुम मुझ पर कोई पेंटिंग कर सकते हो? तुम पर? हाँ, क्योंकि कल छोटे बच्चे घूमने के लिए चूचू शहर आ रहे हैं। ओह, तो ये बात है। ठीक है, बना दूंगा। मुझे सुंदर बना दो प्लीज। हैंडी से डिजाइन बनवाकर एरिक चूचू शहर के लिए चल पड़ा। ये डिजाइन बच्चों को पसंद आएगा। ओ, ये गड़गड़ाहट कैसी है? बारिश हो गई। अरे नहीं, ये तो सोचा नहीं था। मुझे जल्दी वापस पहुंचना होगा। अरे बाप रे, अब क्या होगा? बारिश की वजह से पेंटिंग खराब हो जाएगी। बच्चों, ये है मिस्टर हर्ब। हेलो मिस्टर हर्ब। हेलो बच्चों, चूचू शहर में स्वागत है। एरिक को देर हो गई। अजीब बात है। मैं आ गया। हेलो। एरिक, मेरी ट्रेन अजीब सी लगती है। क्या हो गया? एरिक, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारा सारा पेंट खराब हो गया एरिक। क्या? मैंने ये अभी करवाया था, फिर बारिश हो गई। बच्चों को बिठाकर छोटी रेलगाड़ियाँ उन्हें चूचू शहर की सैर करवा रही हैं। देखो बच्चों, ये है फ्यूल स्टेशन। वाओ, ये कितना प्यारा है। चले चल के देखे। पर हमें अभी रुकना होगा, वहाँ बच्चों का दूसरा ग्रुप अभी देख रहा है। बोर हो गए। सुनो बच्चों, गाना सुनना चाहते हो? चग चग चू चू चग चग चू चू खुशियाँ मनाए हम सब मिलके और खुश होकर चग चू चू गाए सब मिलके। अच्छा, तो फिर एक मजेदार कहानी सुनोगे? एक मजेदार कहानी? बढ़िया। मैंने तीन छोटे पिग्स की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, तीन छोटे भेड़िये थे। फिर एक दिन एक ताकतवर पिग आया। ताकतवर पिग? कहानी तीन पिग्स की थी, तीन भेड़िये कहाँ से आए? हाँ ठीक कहा, मैं फिर से सुनाता हूँ।
एक बार की बात है, तीन छोटे पिग्स एक साथ रहते थे। बच्चों को सैर करवाने के बाद छोटी रेलगाड़ियां इकट्ठा हुई। बच्चों को सैर करा के मजा आ गया। सच में, उन्होंने हमारे घर भी देखे और खूब सारी मस्ती भी की। बच्चे हमेशा हंसते रहे। तुम्हारा टूर कैसा था? मेरा टूर? अरे अरे आराम से। आप ठीक हैं? जी मैडम। क्या आप बच्चों के साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगी? हाँ जरूर। ठीक है बच्चों, यहाँ खड़े हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा मेरे साथ फोटो खिंचवाएगा। रिक, तुम नहीं आओगे? तुम खिंचवाओ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, क्यों? मैं ये पेंट धोना चाहता हूँ, बाद में मिलता हूँ तुमसे। मुझे लगता है मैं बच्चों को खुश नहीं कर पाया। चिचिपो चिचिपो। कुछ दिनों बाद अपना काम पूरा करके एरिक चूचू शहर लौट रहा है। हाँ? वो तो किंडर है, पता नहीं क्या हो गया। हाय किंडर। हे एरिक। ओह, ये तुम हो एरिक? हाँ हेलो, क्या यहाँ कुछ परेशानी है? हम सब चिड़िया घर जा रहे थे, लेकिन अचानक किंडर में कुछ खराबी आ गई। दूसरी बसें अपने काम पर हैं, इसलिए हम घूमने नहीं जा पाएंगे। हाँ, क्या मैं उन्हें ले जाऊँ वहाँ? नहीं, बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, मैंने उनका दिन खराब कर दिया था। क्या हम चिड़िया घर नहीं जा पाएंगे? मुझको तो जानवर देखने हैं। इनका घूमने का कितना मन कर रहा है। सुनिए मैडम, हाँ? अगर आप चाहें तो किंडर की जगह क्या मैं इन्हें चिड़ियाघर ले जाऊं? सच में? ये तो बहुत अच्छा होगा। चलो शुक्र है। मैम, तो क्या हम चिड़ियाघर जाएंगे? और क्या हम पिकनिक भी करेंगे? हाँ, एरिक की वजह से हम घूमने जा पाएंगे। थैंक यू सो मच एरिक। कोई बात नहीं। एरिक बच्चों को लेकर चिड़ियाघर जा रहा है। तो ये लो, हम आ गए। शुक्रिया एरिक। काम चल रहा है? माफ करना बच्चों, पर चिड़ियाघर आज बंद है। मुझे तो जानवरों को देखना था। यहाँ अब क्या किया जा सकता है? हाँ, जरा सुनिए, मैं आपको दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। वहाँ पर भी जानवर हैं, बहुत सारे जानवर। सच में? हाँ? सच में? एरिक बच्चों को लेकर खेतों की तरफ जा रहा है। देखो गाय के बच्चे, ये कितने प्यारे हैं। हेलो सर। एरिक, तुम यहाँ कैसे आए? असल में आपसे एक मदद चाहिए। मदद? तुम क्या चाहते हो? मैं बच्चों को लाया हूँ और मैं सोच रहा था आप इन्हें ये जगह दिखा दें। अच्छा, मैं दिखा दूंगा। शुक्रिया सर। खेतों में बच्चे बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसे दबाओ और दूध बाहर। लगता है बच्चे बहुत खुश हैं। मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया, गुड बाय सर। बहुत अच्छे, बाय एरिक। एरिक, वो जगह बहुत बहुत अच्छी थी। ठीक कहा, चिड़ियाघर में घूमने से भी ज्यादा मजा आया। हमें वहाँ ले जाने के लिए शुक्रिया एरिक। मुझे अच्छा लगा ले जाके। बच्चों, घर जाने का समय। मुझे घर नहीं जाना है। मैम, एरिक के साथ थोड़ी देर और खेलना चाहते हैं हम सब। मुझे लगता है एरिक थक गया होगा। मैं तो बिल्कुल नहीं थका, मैं कुछ और जगह ले चलूं? सच में? ये तो बहुत मजेदार है। ठीक है, तो चलते हैं हम सब। एरिक बच्चों को लेकर खुले मैदानों से गुजरा, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। और फिर समुद्र किनारे बने बंदरगाह गया। सब बच्चे ऊपर देखो, स्वागत है।
ये कितना प्यारा है। चग चग चू चू चग चग चू चू खुशियाँ मनाए हम सब मिलके और खुश होकर चग चू चू गाए हम सब मिलके। और फिर उनके अलग होने का समय आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया एरिक, तुम्हारी वजह से आज हम सब घूम पाए। आज का दिन मजेदार था, बहुत खुश हैं हम। सबसे अच्छे हो एरिक। मुझे अच्छा लगा। मुझे तुम्हें बाय बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी। एरिक, क्या तुम हमारे साथ फोटो लोगे? हाँ प्लीज। बताओ एरिक, क्या कहते हो तुम? जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, तैयार हो जाओ। एक, दो, तीन। लगता है पिकनिक के दौरान एरिक और बच्चों की अच्छी दोस्ती हो गई। आज तुम सच में सबसे अच्छे रहे एरिक। माफ कर दो एरिक। छोटी रेलगाड़ियां गोल चक्कर पर इकट्ठा हुई हैं। हेलो दोस्तों। ओ, हाय एरिक। हेलो। तुम्हें एक नई बात पता चली? कौन सी बात? कुछ दिनों के बाद हमारे प्लांट में एक फेस्टिवल होने वाला है। फेस्टिवल? मेरा तो सुनकर ही दिल खुश हो गया। अच्छा लगा ना, वहाँ गाना गाएंगे और आतिशबाजियाँ होंगी। आतिशबाजी होगी, मजा आएगा। हाँ, तो क्या वहाँ हम सब एक साथ चलें? हाँ, ज्यादा मजा आएगा। हाँ। चलो अब मैं चलता हूँ, याद रखना तुम लोग। ठीक है। एरिक कितना खुश है ना? हाँ सच में। आखिरकार फेस्टिवल का दिन आ गया। हमें अब चलना चाहिए। लेकिन एरिक तो अभी तक नहीं आया। वो आया क्यों नहीं अब तक, जबकि उसी ने जाने को कहा? हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा ही इंतजार था, चलो चले। तुम्हें मेरे बिना ही जाना होगा। क्या? पर क्यों? बताओ ना। मेरी अचानक ड्यूटी लग गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। उम्मीद है तुम लोग मजे करोगे। मजे तो आएंगे, चलो जल्दी चलते हैं। नहीं एरिक, हम तुम्हारे बिना नहीं जा सकते। हाँ एरिक, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। ऐसा कहने के लिए बहुत शुक्रिया। अब जाना होगा, चलो बाद में मिलता हूँ। हाँ, ध्यान से काम करना। बाय बाय एरिक। डीजल, ये कैसे कह दिया कि उसके बिना चले जाएंगे? तो क्या हम जा नहीं रहे? सच कहूँ तो मुझे बुरा लग रहा है। हाँ, मैं भी जाना चाहता था। आज हम सबको एक साथ छुट्टी मिली और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या करें, कुछ और करने का सोचते हैं। सुनो दोस्तों, एक बार वहाँ चलकर तो देखते हैं कि आखिर वहाँ है क्या क्या। नहीं, अगर एरिक को पता चलेगा तो बुरा लगेगा उसे। हम बस जल्दी से जाके देख के आ जाएंगे, उसे पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा ना? मुझे तो ऐसा करना ठीक लग रहा है। अगर थोड़ी देर देखना है तो। इतना मत सोचो, आओ चलते हैं जल्दी से। छोटी रेलगाड़ियां प्रोडक्शन प्लांट पहुंच गईं, जहां फेस्टिवल चल रहा है। यहां ट्रेन पेंटिंग भी हो रही है। मैं तो गाड़ी नेक्स की तस्वीर बनवाऊंगा। कोई स्टेज पे गा रहा है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। सुनो दोस्तों, हम यहाँ थोड़ी ही देर के लिए आए हैं। मेरे लिए रुको। बढ़िया, कितनी अच्छी जगह है। तुम और मैं यूं ही हम मिलकर चले। हमारी दोस्ती है सबसे प्यारी, तारों जैसी चमके यारी, ये दोस्ती है यारी। अगले दिन की शुरुआत। कल मजा तो बहुत आया, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, हम एरिक के बिना चले गए। मुझे भी। हाँ, आज सुबह वो मुझसे मिला भी था। हाय एरिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लोको। उसका मूड बहुत खराब लग रहा था। क्योंकि वो फेस्टिवल नहीं जा पाया इसलिए। अब हम क्या करें? कोई तो तरीका होगा जिससे एरिक का मूड ठीक हो जाए। उस रात काम के बाद छोटी रेलगाड़ियां एरिक को समुद्र किनारे ले गईं। एरिक, बाहर आकर अच्छा लग रहा है ना? यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर आए क्यों हैं? क्योंकि हम फेस्टिवल नहीं जा पाए। हाँ? तो हमें लगा आज रात कहीं घूमने चलते हैं।
अच्छा ये बात है। वाह, आसमान में देखो टूटते हुए तारे। एक वहाँ पर भी है। हाँ एक वहाँ पर भी है। ऐसा लग रहा है आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी हो रही है। इससे एरिक को फेस्टिवल की याद आ जाएगी। कुछ सोचना होगा जल्दी। सुनो दोस्तों, तारे देखना बंद करके गार्डियन एक्स देखते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होगा। चलो जल्दी चलते हैं एरिक। छोटी रेलगाड़ियां ऑडिटोरियम में पहुंच गईं। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी। और उन्हीं में से एक था वो फेस्टिवल जो ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट में हुआ। जी हाँ बिल्कुल, आइए उस फेस्टिवल के कुछ दृश्य देखें। अरे कितना अच्छा सा। आपका स्वागत है, आज मैं शामिल हुई हूँ ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट के फेस्टिवल में। हाँ? अरे नहीं, ट्रेन प्रोडक्शन प्लांट का फेस्टिवल दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ बच्चे बड़े सभी के लिए कुछ ना कुछ है। कुछ करो जल्दी। ओहो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद करो। डीजल को बहुत तेज दर्द हो रही है, अब हम क्या करें? क्या हुआ तुम्हें डीजल? मुझे नहीं पता। हाँ? नहीं मालूम, मुझे टीओ के पास ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। गार्डियन एक्स। डीजल जल्दी मेरे साथ जुड़ जाओ। अब मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। क्या? पर तुम तो दर्द से कराह रहे थे। पर अब मैं ठीक हूँ। देखो गार्डियन एक्स। चलो टीवी देखें, डीजल की तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। टिटीपो टिटीपो। अच्छा दोस्तों, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। अभी से? मुझे जाकर कुछ काम करना है। बाय दोस्तों। ठीक है, गुड नाइट एरिक। लगता है उसे खुश करने का हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। वो उदास है क्योंकि फेस्टिवल नहीं जा पाया। क्यों ना हम एरिक के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखें? एरिक के लिए प्रोग्राम? हम अपने शहर में ही बहुत बढ़िया फेस्टिवल करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। एरिक को ये बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो ठीक है, कल सुबह से ही तैयारियां शुरू करते हैं। ठीक है। अगले दिन छोटी रेलगाड़ियां फेस्टिवल की तैयारियों में जुट गई। हमें जल्दी करनी होगी। एंडी, हम अपने शहर में फेस्टिवल। टीटीपो ने ट्रेन पेंटिंग में हिस्सा लेने के लिए एंडी से बात की। जब भी रात की हो बात। जीनी और लोको फिक्स और लिफ्ट को गाने के लिए कह रहे हैं। और डीजल प्रोडक्शन प्लांट में गया है टेओ के पास। तुम्हें कल आतिशबाजी करनी है? हाँ, और एरिक को मत बताना, ठीक है? हाँ, और एरिक को मैं ना बताऊं? ओह सॉरी, मुझसे ये नहीं होगा, कल मुझे कुछ और करना है। सच में? आज एरिक के स्पेशल फेस्टिवल का दिन है। कितना अच्छा सजा है। लेकिन अफसोस है, फेस्टिवल में आतिशबाजी नहीं होगी। कोई बात नहीं, हमने इतनी तैयारी की है, एरिक को उसकी कमी नहीं खा लेगी। हाँ जीनी सही कहा। हाय दोस्तों। एरिक आ गया। यहाँ पर ये सब किसके लिए? फेस्टिवल। एरिक, ये फेस्टिवल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हमें पता है तुम उदास थे क्योंकि तुम फेस्टिवल में नहीं जा पाए। मेरे लिए किया? और एरिक, हम फेस्टिवल में गए थे, माफी चाहते हैं। हाँ, फेस्टिवल में गए थे तुम सब। जब तुमने कहा कि नहीं जाओगे तो हम भी तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहते थे। पर हमारा मन कर रहा था इसलिए चले गए थे। हम माफी चाहते हैं एरिक। ये बात है, असल में दोस्तों मुझे भी कुछ बताना है। बताना है? असल में मैं भी फेस्टिवल गया था। क्या? उस रात जब मैं काम से लौट रहा था। हाँ, फेस्टिवल अभी भी चल रहा है, मुझे सबको लेकर आना चाहिए यहाँ। वाह क्या नजारा है, कितने सुंदर हैं। थोड़ी देर देख लेता हूँ और फिर मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया।
मैं माफी चाहता हूँ मेरे दोस्तों। एरिक, तुम हमारे बिना घूमने चले गए, ये ठीक नहीं किया। लेकिन डीजल, हमने भी तो वही किया ना। अरे हाँ, भूल गया। चाहे हम अलग अलग गए, लेकिन हमने फिर भी फेस्टिवल तो देख ही लिया। इस बार हम सब मिलकर मौज मस्ती करेंगे। जरूर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझ पर सबसे अच्छा डिजाइन बना दो तुम। ठीक है, हो जाएगा। क्या तुम लोग हंस क्यों रहे हो? बहुत ही अच्छा गाते हैं, और दोस्तों के साथ तो मजा और बढ़ जाता है। थैंक यू दोस्तों। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सब पसंद आया। असल में मैंने भी कुछ तैयार किया है। वो यहीं बाहर है। वाह, तो फिर चलते हैं। हाय, क्या तुम्हें मजा आया? ओ टियो, तुम्हें तो कुछ और काम था ना? बिल्कुल था, एरिक के साथ था। क्या, एरिक के साथ? हाँ, मैंने टियो से कहा था अगर वो कुछ आतिशबाजी कर सके तो। एरिक, तुमने कहा? लेकिन डीजल भी तो टियो के पास इसी काम के लिए गया था। पहले एरिक ने मुझसे कहा, फिर डीजल भी मेरे पास उसी काम के लिए आया, तो मुझे अजीब लगा। तुम्हारे बिना आतिशबाजी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वाह, सोचा तो हमने भी यही था। मजेदार बात है। ठीक है, तो आ जाओ सब, अब शो शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हम साथ में देख रहे हैं। सच में? एरिक और दूसरी छोटी रेलगाड़ियों को अब पता है कि उन्हें एक दूसरे का कितना ध्यान रहता है। मैं टीवी पर दिखना चाहता हूँ। जूजू टाउन में एक नई सुबह। हेलो मिस्टर हब। ओ टीटीपो, आज काम पूरा करके सीधा घर ही आना। क्यों? टीवी वाले सभी ट्रेन्स का इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद वो एक सबसे अच्छी ट्रेन चुनेंगे। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि मैं टीवी पर आऊंगा? हाँ बिल्कुल, दूसरी रेल भी जल्दी घर आ रही हैं, इसलिए लेट मत होना। नहीं होऊंगा, अब मैं काम पर चलता हूँ। टीवी पर देखने की बात सुनकर टीटीपो बहुत उत्साहित है। मिलिए दुनिया की बेहतरीन रेल टीटीपो से। सबको मेरा हेलो। सबका दोस्त, सुरक्षित और समय पर पहुंचाने वाला सबसे मेहनती टीटीपो, सबसे अच्छी ट्रेन का इनाम इसे ही मिलना चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो। टीवी पर आने के बाद मैं स्टार बन जाऊंगा। सभी को हेलो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सब मुझे चाहते हैं। टीटीपो। हाँ? तुम अब तक जा क्यों नहीं रहे हो? माफी चाहता हूँ। काम के समय सपने मत देखा करो, अपने काम पर पूरा ध्यान दो। जी सर। लगता है टीवी के लोग पहुँच चुके हैं। तैयार, स्टार्ट। आपका स्वागत है, आज हम मौजूद हैं चूचू शहर में, और मेरे साथ है चूचू शहर के ट्रेन मास्टर। ट्रेन के बारे में बताइए सर। आप सभी को हेलो। बहुत सी रेलों में चूचू शहर, मेरा मतलब है चूचू शहर में बहुत सारी रेल रहती हैं। मिस्टर हर, क्या? आराम से बोलिए, घबराइए मत। अच्छा ठीक है। अब हम इस शहर की दो रेलगाड़ियों के घर में हैं। दिन भर हम रेलगाड़ियों से बातें करेंगे। सबसे पहले हम इन दो रेलगाड़ियों से मिलेंगे। हेलो, क्या आप अपने काम के बारे में बताएंगे? जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरी तरफ मत देखिए, उधर देखिए, कैमरा उधर है। सभी को हेलो, हम दोनों यहाँ की सर्विस रेल हैं। हम मुसीबत में ट्रेन्स की मदद करते हैं। वाह क्या बात है, अरे आपने अपना नाम ही नहीं बताया। मैं हूँ सर्विस रेल फ्लेक्स, और मैं हूँ उसका साथी बेहतरीन लेव। बुया, बुया। क्या आप सुनना चाहेंगे हमारा रैप? हमारा एक खास रैप है जिसे हम काम पर जाते वक्त गाते हैं। चलिए सुनाइए। फिक्स, फिक्स, मेरा नाम है फिक्स। फिक्स। एक मिनट जी। खदान में एक दुर्घटना हो गई है, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। ओ। सुनो लिफ्ट, हमें जल्दी चलना है। ठीक है,
क्या आपको अभी जाना होगा? हाँ, हम आपको रैप अगली बार सुनाएंगे। हम माफी चाहते हैं आपसे। कोई बात नहीं, चलो चले। हम स्टेशन पहुंच गए। मेरा काम खत्म हो गया, अब जल्दी से शहर चलता हूँ। आओ बेटा, ये रेल डरावनी है। नानी माँ के पास जाना है तो इसमें बैठना पड़ेगा। ओह, ये क्या मुसीबत है अब? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की। वापस जाओ टिटिपो। अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो टीवी पर आने का मौका गवा दोगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे वापस चलना चाहिए। रुक जाओ। एक अच्छी रेल जरूरतमंद यात्रियों को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें वहाँ जाकर छोटे बच्चे की मदद करनी चाहिए। बेकार की बातें मत सोचो, सोच समझ कर फैसला लो। तुम बन सकते हो सुपरस्टार। बच्चे को भूल जाओ और वापस शहर चले जाओ। मतलब ही मत बनो, सही तो यही होगा कि तुम बच्चे की मदद करो। इसकी बात मत सुनो, सुनोगे तो टीवी पर नहीं आ पाओगे। बस बहुत हुआ, मैं जरूरतमंद यात्री को नहीं छोड़ सकता। टिटिपो टिटिपो टिटिली टिटिपो, मस्ती में चलती रहे छोटी रेल टिटिपो। टिटिपो टिटिपो टिटिली टिटिपो, पटरी पे चलती रहे टिटिली टिटिली टिटिपो। होई होई। मॉम, इस ट्रेन को देखिए, कितनी फनी हो तुम। बिल्कुल हूँ, मैं डरावना भी नहीं हूँ ना। अब तो ट्रेन में जाओगी ना तुम? हाँ मॉम। मदद के लिए शुक्रिया छोटी ट्रेन। ये मेरा फर्ज है। टिटिपो टिटिपो। जीनी वापस चूचू शहर आ गई। मैं काम करके आ गई। क्या हम बात कर सकते हैं? बात? क्या हम आपका छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं? जरूर। मिलिए छोटी रेल से जो अभी अभी काम से लौटी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीनी, एक पैसेंजर ट्रेन। तुम अभी काम से लौटी हो और फिर भी इतनी साफ और चमकती हुई? क्योंकि मैं यात्रियों को लाती ले जाती हूँ, मुझे साफ रहना ही चाहिए। जीनी। जी सर। एक मेहनती मालगाड़ी अभी अभी काम से लौटी है। ये है डीजल। आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर ये कैमरा क्यों लगा रखा है? ये हमारी फिल्म बना रहे हैं। क्या, हमारी फिल्म बना रहे हैं? ओह, आज मैंने खदान में काम किया इसलिए मैं बहुत गंदा हूँ। इससे साबित होता है कि तुम मेहनती हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। मैं अच्छा लग रहा हूँ? मुझे मालूम था आप भी यही बोलेंगी। अच्छे लग रहे हो। बाय टिटिपो। बाय बाय। तुम्हारा शुक्रिया टिटिपो, मदद करके अच्छा लगा। टिटिपो टिटिपो। जी कहिए मिस्टर हब। तुम हो कहाँ? मैं अभी स्टेशन पर हूँ, अब शहर आ रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ। तुम्हारे पास एक रेल खराब हो गई है, वहाँ जाकर तुम उसकी मदद कर दोगे प्लीज? तो फिर क्या होगा इंटरव्यू का? सबसे पास तुम ही हो, इसीलिए माफी चाहता हूँ। ठीक है। रेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, अगर मैं टीवी वालों से मिलकर बातें कर पाता तो कितना मजा आता। लेकिन साथ ही रेल की मदद करना ज्यादा जरूरी है, तो ठीक है मैं चलता हूँ। और इंटरव्यू लेने की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से हमने आज काफी इंटरव्यू कर लिए हैं। तो क्यों ना हम दूसरी रेलगाड़ियों से भी बात कर लें? तो फिर चलो। ये ट्रेन चलने कब शुरू होगी? मैं माफी चाहता हूँ। मदद के लिए मैं आ गया। ओ, कितना अच्छा हुआ तुम आ गए, पता नहीं क्यों लेकिन मैं चल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे सभी यात्रियों को मैं ले जाऊंगा। शुक्रिया टिटिपो। फिक्स और लिफ्ट यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। आपका स्वागत है, अब ये रेल जाएगी। अब हम चल रहे हैं। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए रुको। लेकिन मुझे जल्दी वापस जाना है। देखो तुम चले मत जाना।
अभी नहीं चलूँगा। अगर अभी चल पड़ा तो दादाजी घर नहीं पहुँच पाएंगे। ध्यान से सुनिए, हम यहाँ से तब चलेंगे जब ये वृद्ध व्यक्ति चढ़ जाएंगे। धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं। आखिरकार काम पूरा करके टीटी पो वापस शहर पहुँच गया। अरे दोस्तों, कहाँ है टीवी वाले? वो तो चले गए। अब तो शो शुरू होने वाला है, मजा आएगा। हम सब एक साथ देखेंगे, जल्दी आ जाओ। इंतजार नहीं हो रहा है। अफसोस, मैं उसमें नहीं होऊंगा। अरे बाप रे, टीटी पो दुखी है कि वो इंटरव्यू नहीं दे पाया। ये कब शुरू होगी? बस थोड़ी ही देर में। हाय दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा। हेलो। हाँ, ये शुरू हो गया। ट्रेन के बारे में बताइए सर। मिस्टर हब बोल रहे हैं। वाओ, कैसे बोल रहे हैं मिस्टर हब? वो थोड़े घबराए हुए लग रहे हैं। अब हम सबके इंटरव्यूज आएंगे। आप सभी को हेलो, मेरा नाम है सिंह सिंह। मैं यात्रियों को जल्दी और सुरक्षित यात्रा कराती हूँ। वाह, क्या बात है। चूचू शहर की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन है। ये है जुड़वा मालगाड़ी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मैनी। और मेरा नाम है बर्नी। वाह, बढ़िया। आगे मिलते हैं एक छोटी रेल से जो अभी अभी लौटी है। छोटी रेल गाड़ियाँ अपने आप को टीवी पर देखकर बहुत खुश थी। अच्छा लग रहा था ना मैं? तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। सिर्फ मैं टीवी पर नहीं आया। देखो टीटी पो। एक रेल में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बहुत से यात्री स्टेशन पर ही फंस गए हैं, लेकिन एक छोटी रेल पहुंच गई है उनकी परेशानी दूर करने के लिए। आपका स्वागत है। हम तब चलेंगे जब ये चढ़ जाएंगे। टीटी पो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस रेल की वजह से सबसे अच्छी रेल तुम ही हो टीटी पो। शुक्रिया दोस्तों। चलिए देखते हैं यात्रियों का क्या कहना है। तुमने मेरा इंतजार किया इसलिए मैं सुरक्षित घर पहुंच पाया। धन्यवाद टीटी पो। टीटी पो ने मेरे लिए गाना गाया। टीटी पो, टीटी पो, टीटीली टीटी पो। ओ, ये तो वो बच्चा और दादाजी हैं जिनकी मैंने मदद की थी। तो ये रेलगाड़ियाँ इसी तरह हर रोज मेहनत करती हैं ताकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो, इसलिए इन सबका शुक्रिया। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप सबका शुक्रिया। तुम कमाल के हो टीटी पो। हाँ, मैं तो तुम्हें ही देखती रह गई। तुम सबसे अच्छे हो टीटी पो। सच कहा, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। शुक्रिया दोस्तों। टीटी पो शो में आ ही गया। बहुत बहुत मुबारक हो टीटी पो। मैं बहुत खुश हूँ मैं टीवी पर आया।